ऑल राइट, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ WWE सुपरस्टार स्पेक्टेकल से जुड़ी बहुत बड़ी अपडेट्स। वीडियो से लास्ट तक चपके रहना, फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, WWE हैदराबाद में अपना एक इवेंट चलाने जा रही है नेक्स्ट मंथ सितंबर में, जिसका नाम है सुपरस्टार स्पेक्टेकल। इसी थिंग से रिलेटेड एक और बड़ी अपडेट ये है कि जॉन सीना भी ऑब्वियसली पार्ट हो चुके हैं सुपरस्टार स्पेक्टेकल का। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जॉन सीना ने खुद अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट पर पोस्ट किया है और इस ट्वीट को रिट्वीट करके यहाँ पर फॉक्स ने भी कुछ कहा है, आप यहाँ स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। सो जब WWE ने अनाउंसमेंट किया था कि वो इंडिया में अपने इवेंट कराने वाले हैं, तो बहुत हाइप थी शो को लेकर। फिर WWE ने जैसे ग्राफिक रिलीज किया तो भाई हाइप थोड़ी कम हो गई, क्योंकि ग्राफिक में कोई बड़े सुपरस्टार का नाम था ही नहीं। बस नाम बड़े के नाम पर सेथ रॉलिंस और ड्रू मैकइंटायर वो नाम थे जो उस शो में उस ग्राफिक में उस पोस्टर में बड़े लग रहे थे। और सबसे मेरे लिए सबसे बड़ी डिसअपॉइंटिंग वाली बात ले लगे थे भाई, रोमन रेंज ही गायब है उस शो के पोस्टर से, जो मेरे लिए काफी डिसअपॉइंटिंग बात लगे। भाई इतने 1000 लोग आ रहे हैं, 7000-8000 लोग का कैपेसिटी है, इतने पैसे ले रहे हैं डब्ल्यू वाले, तो रोमन रेंज ही अवेलेबल नहीं है, तो भाई वो किसको देखने आएंगे। तब उतनी हाइप नहीं थी डब्ल्यू को लेकर कि वो ऐसा हैदराबाद में इवेंट होने वाला है, बट फाइनली ये चीज़ को जॉन सीना फुलफिल करेंगे। फाइनली जॉन सीना आने वाले हैं WWE में और इंडिया में होने वाले शो में, जो कि बहुत बड़ी बात है WWE फैंस के लिए। और मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ सुपरस्टार स्पेक्टेकल को लेकर। आप क्या भी उतने एक्साइटेड हो जॉन सीना के आने से? आपको क्या लगता है कि शो में कुछ बड़ी थिंग्स होगी? तो आप मुझे कमेंट से जरूर बताना। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब कर दो, पास बेल आइकन है उसे प्रेस कर दो। सी यू गाइस ऑन माय नेक्स्ट वीडियो।